चक्कर हुआ, चक्र दोनों का चलता बराबर रहा, तो कोई के किस्मत में दौलत का भंडार है, पर कदर वाला उससे ननावर रहा, तो मानो जीवन की होती बसर जिंदगी, मथन करने से निष्कर्ष मिलता सही, तो कर्म ही विश्व के अंदर अरे प्रधान है। तो रेतियों में कमल पुष्प खिलता सही, सुने बड़ी बढ़िया लाइन कवि जी लिखे हैं, सामाजिक चित्रण है, और ये बिरहा का शीर्षक होई रत्ती है भर का बत्ती है बा, एक लाइन गजल का बानगी बा। अरे चोट पत्थर को लगी, चोट पत्थर को लगी, सुन ले सनम प्यार की चादर पुरानी हो गई, यह तर्ज का लाइन बा, बिरहा का लाइन कवि जी बड़ी बढ़िया लिखलन, का लिखलन कि अरे भाग्य यो कर्तव्य को, अरे भाग्य यो कर्तव्य को गया, अरे जिंदगी दौलत किरानी हो गई, दूसरी लाइन बड़ी ऊंची कवि जी दिए हैं कि अरे लेख है कायम सती सत्यवान की, अरे लेख है कायम सती सत्यवान की, बात ये कितनी पुरानी हो गई, है भैया तनी सा बात आप लोग समझ ला, यूपी के अंदर एक शहर बा जौने शहर का नाम बा बाराबंकी, बाराबंकी के अंदर रहने वाले धनिक लाल मंडल जात के मारवाड़ी, 26 साल उनकी शादी होकर हो गया, भगवान कोई औलाद नहीं दिए, जिनके दुल्हन का नाम बताया गया है दमयवंती, दमयवंती दुल्हन जौन बाणी भोले बाबा का पूजा करे लगली तीसरापन में, आ जब तीसरापन में पूजा करे लगली तो भोले बाबा दयालु देवता दया कर दलन, गीत बदल गयी, ई गीतिया वह बाकी, अरे नदिया के, अरे नदिया के तीर बापा लानी मोरे भैया, यह तर्ज का लाइन बा, है बिरहा का लाइन कवि जी बड़ी बढ़िया लिखलन, का लिखलन कि अरे जिंदगी की, अरे जिंदगी की बदली कहानी मोरे भैया, जिंदगी का बदली कहानी मोरे भैया, दया भोले बाबा कहले कैसे यार कि
अरे पतझड़ में आ गई बसंती की बहार हो, पतझड़ में आ गई बसंती की बहार हो, पतझड़ में आ गई बसंती की बहार हो, अगर भौती भैली घर में दमयवंती नार हो, तीसरे पन में जो है धनिक लाल सेठ जी की धर्म पत्नी जो है गर्भवती हो गई, समय पाकर जो है एक लड़का पैदा हुआ, नौकरानी जो है रात के समय में सेठ जी के कमरा में खबर लेके गई बा, जाके दरवाजा खटखटौले बाकी सेठ जी उठा सोने का बिहान हो गया, सेठ जी कहलन की करे बहिन तो तिनिया बजे था बिहान कैसे हो गया, नौकरानी कहले बा करे सरकार उठा पुत्र रतन का प्राप्ति भइल बा, सेठ जी जब बेटवा का नाम सुनलन एकदम खुशी में चूर हो गईलन, उठ के बैठ गईलन, कहलन की बताओ की लड़कवा के माई के कोनो तकलीफ उकलीफ, बबुआ के कोनो तकलीफ, नौकरानी कहले बाकी सरकार पूछो ना, लेकिन जब लेकिन का नाम सुनला तब तक दोनों कनवे खड़ा हो गए, कहे करे लेकिन कैसन, कहत है नौकरानी की बतावत तो है बतौले बा कि अरे मगर ये कया खरा हल्कानी मोरे भैया, आज जिंदगी का बदली कहानी मोरे भैया, जब काना सुनलन है कि हमार लड़कवा काना बा, सेठ जी सुनलन कि हमार बेटवा काना बा, तुरंत 5,000 रुपया निकाल के नौकरानी के देले बाणन और कहले बाणन कि ले रुपया रख ले आ केहू से बताइए जिनके हमार बेटवा कान बा, काहे से कि खाली तय जानत बाड़ी लड़कवा का माई या हम जान गई, खुशी का लहर दौड़ल बा, नौकरानी मुस्कियात का 5,000 रुपया लेके चल देला, जब सवेरा भैल बा खुशी का लहर दौड़ल बा, जे जान जाए कि बेटवा कयाक तनी सा कान हो सेठ जी के, तुरंत पहुंचे और कहे कि सेठ जी भगवान लड़का तो देहलन जरूर, लेकिन जब लेकिन का नाम सुने तुरंत 2,000, 4,000, 5,000 निकाल के दें, और सबसे यह बतिया कहे कि भैया के उसे बतैया जी, लोग कहे कि सेठ जी कहिया ले छिपावल जाई, सेठ जी कहलन कि जब ले अपने बेटवा को हम दहेज ना ले ली, देखे वाह वाह पैसे के बल से जो है आपको दबाया गया, बाबूजी धीरे धीरे वो लड़कवा के बरही का दिन रखलन, बरही के दिने आज सेठ जी अपने बेटवा के बरही के दिने खुशी में झूमत हवन, यहाँ एगो गीत बा गीतिया वह बा कि अरे रतिया सुतले में जगवले बा गजेरी बालमा, गजेरी यह दर्ज का लाइन बा, बिराह का लाइन बड़ी बढ़िया लिखलन कवि जी लिखलन का कि अरे उजियार भैल घर दुआर सेठ धनिक लाल द्वारे अरे मोतिया लुटावे सेठ धनिक लाल के पास 4 कंपनी रहलिन, कंपनी के अंदर जितना नौकर रहलन काम करे वाला सबके नया नया ड्रेस सिलवा देलन, आज बेटवा के खुशी में धन दौलत लुटावत हुमन बरही के दिने भैल का त झूमा पुत्र के बलैया ले बाहर अंगना, आ उजियार भइले घरवा दुआर अंगना, भैया बरही बीत गई सेठ जी, जब बरही के दिने लड़कवा के बोहरे निकलन लड़का की आंखी पर धूपी चश्मा लगा देहल गए, यही से कि लड़कवा के केहू देख न सके कि हमार लड़कवा कान बा, वाह वाह बाहरे जमाना भैल का, सेठ जी अपने बेटवा के आंखी का दवाई करे लगलन चोरी चोरी, भैल का
कि अरे बहुत जगह कैल सेठ आखी के दवाई अकल अकल बढ़े लैका सारा सुख पाई उजियार भैल घरवा दुआर निकलाल किए लेकिन बच्चे की आंख कहीं बनी नहीं ठीक नहीं हुई। सेठ जी जन बालन अपने लड़कवा के पढ़े खातिर कानपुर भेज दहलन। यही से कानपुर भेजलन कि बारह बंकी में पढ़ी तो कहियो केहू तो देख ले तो ये कही कि सेठ जी का लड़कवा कान बा। जाके उ लड़का कानपुर में एम ए कैले बा। जब एम ए कैले बा तो लड़की वाला दौड़े लगलन ब्याह करे खातिर। कौन लड़की वाला कहाँ से आयल गीत बदल गई गीतिया वह बाकी अरे सुनबा लीलार हो अरे सुनबा लीलार हो साहेब बिना टिकुली बिरहा का लाइन बड़ी बढ़िया लिखल गई। का लिखल गई कि अरे लिए जी पकार हो अरे लिए जी पकार हो दुआरे अइले पहुना लिए जी पकार हो दुआरे अइले पहुना लिए जी पकार हो दुआरे अइले पहुना दुआरे अइले पहुना दुआरे अइले पहुना दुआरे अइले पहुना लिए जी पकार हो कहां से आया तखीरी लखीमपुर से गौरी सेठ अइला रामा हो चार फर्टिलाइजर के मालिक कहैला रामा। गौरी सेठ खीरी लखीमपुर से आ गए जिनके पास चार फर्टिलाइजर कंपनियां थी। आके कहे कि भाई साहब आपके लड़के से मैं अपनी बिटिया की शादी करना चाहता हूं। सेठ जी धनिकलाल कहलन की तोहरे लड़की का डिग्री का बा आज बतौले बाड़न लड़की का बाबू गौरी से का? अरे सरिता कुमारी हुए सरिता कुमारी हुए अरे बीबिया समार हो दू वारे अइले पहुना अलिए जी पकार हो भैया। कहलन की हमार लड़किया MBBS कैले बा आपके लड़का का डिग्री। कहलन की हमार लड़कवा एम ए कैले बा। सरकार तब तक हम सदिया कैले। कहलन की ठीक बा भाई लड़का तो हमारे यहाँ ना बा जा लड़का का 50 से फोटो कमरा में लगल बा आप देख ला अगर लड़का पसंद होके तो शादी करा नहीं तो कोनो बात ना बा। आज गौरी से संगी साथी हित मीत के लेके पहुंचल बाड़न। जब फोटो के देख लगलन कुल फोटो पर वह करियवा चश्मा लगल लगल सेठ जी सोचत हवन की बुझात बा की दाल में कुछ काला बा ये कोई ऐसा फोटो ना बा जोने पर करियवा चश्मा ना बा। भैया सेठ जी कहलन की भाई साहब हमके कुछ शंका बा आप अपने लड़कवा के बुलावा है करे बाद हमन शादी कर जाई देख ले जाई थे। धनिक लाल सेठ कहलन की ठीक बात चौथा दिन आप लोग अहिया हम लड़का के बुला ले और आप लोग देख लिया शादी करिया। चौथे दिन गौरी सेठ आल बाणन। एहर धनिक लाल सेठ अपने बेटवा के बोलवलन ना उनके घरे के बगल में रहे वाला एक कोयरी भाई का लड़का जो उनकी सेठ जी के लड़का के चेहरा से बिल्कुल चेहरा मिलत जुलत। कहलन की भैया जब बहने तिल कहरू अहिया तनी हमारे द्वारवा चली है वो लड़का आयल बा। धनिकलाल सेठ कहलन की देख लाई है हमार लैकवा बा। गौरी सेठ कहलन की लैकवा तो आप का हमरे लड़किया के जोग बा। कहलन की ठीक बात तब शादी करबा। कहलन की हाँ हम शादी करे खातिर तैयार है। बाबूजी भैल का कि अरे कैले भारी भूल सेठ सुना घबराई के अले हले दहेज लैका दूसरे के देखाई
ही के अब अरे बिगड़ी बनाए हो दू वारे अले पाहुना अलिए जी पकार हो दू तय हो गई शादी का दिन रखायल कहिया टेरी में लाइन बा मास्टर कि अरे राम अरे लिखनिया कोरा कागज बन गई तो सुंदर शिवरात्रि वाली पड़ गई लगनिया लिखनिया कोरा कागज शिवरात्रि के दिने शादी वाला दिन रखा गया ये हर जन बा सेठ जी सोचलन के अपने बेटवा के बंबई भेज दे या खिया बन जाई बहल का कि भेजे सेठ लड़के को बंबई भेजे सेठ लड़के को बंबई बनवाने को बिगड़िया हरी की बिगड़ी कौन बनाए टूट गई डाली की लगे लगाने आंख डॉक्टर लगे लगाने आंख डॉक्टर खत्म हो गई अच्छी आंख था विधाता गजब किया तू सारी जिंदगी हो गई रात ए भैया यह डॉक्टर साहेब खराब आंख निकाल के बढ़िया आंख लगाव लगलन भगवान कैसन मर्जी की जो निकले वो खत्म हो गई। बंबई से तार गैल बाकी सेठ जी के मालूम कि हरिलाल का वो आंख खत्म हो गई पंगना गायब हो गया। सेठ जी कहलन कि सेठ जी वहां से तुरंत खबर भेजलन कि भाई जितनी दौलत लगी हम देवे के तैयार ही लेकिन हमारे बेटवा के आंख आप लोग बनवैया यहर ब्याह वाला काम जोन बा हम देख ले तीनिये दिन शादी वाला बाकी बा जरा गौर कीजिएगा आप लोग धनिकलाल सेठ के पास पांच जर्सी गैया और उन जर्सी गैयों को चराने वाला जो है एक यादव भाई का लड़का बिल्कुल गरीब परिवार का जिसका नाम बताया गया है सुखलाल। सुखलाल को बुलाकर धनिकलाल सेठ कहे कि बेटा रात भर की बात है हमारी इज्जत तेरे हाथ है। सुखलाल कहलस कि बाबूजी कौन बात बा अरे हरिलाल भैया का चिट्ठी आई ले कि नहीं कहलन कुल तो वह बतिए बा तय काम कर कि दुल्हा बन जो तय बियाहवा करा ले और हरिलाल आंख बनवा के यहाँ तो देखल जाई। सुखलाल सोचत बा कि बाबू छोड़ के मर गई ना बचपने में माई चिपरी पाथे ले आ हमार बियाह हो ही। ये बेचारा सोचत बा कहलस कि सेठ जी ठीक बा आपको हम नमक खैले हैं आपके नमक का शरीयत देहल हमार फर्ज बा आज सुखलाल के हाथे में कक्कन बनल बा हरदी लगे लगल आ जब वो नरम नरम गदोरी से मारवारी के लड़की हरदी लगावे लगली अहिरे करो वहां फर 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 कर लगी। ए भैया खूब बढ़िया दुल्हा बन गए सुखलाल बैंड बाजा के साथ जोन बा बरात पहुंचल बा खीरी लखीमपुर में वहां जोन बाणी माता बहने परछन के समय एगो गीत गौली गीतिया बड़ी लहाकू आ गई। आ ई गीतिया वह बा कि अरे हाथी हाथी सोरा कैले हाथी नाली अला हो आगे ही पतरी चटवन के अरे काहे के लिए अला हो। यह गीत बा बिरहा के अंदर गीतियों से बढ़िया लाइन बा परछन करत की समय औरतिया कहलिन का कि अरे परछन करली नारी होला मंगल चार हो बीबीएस बिटिया के मिलन चारावा हो तब से दूसर की लाइन सेट कही कि माई गोबर पथिना बापावा कथा हो एमबीबीएस बिटिया के अरे मिलल चारा हो। जब ये तनी बात सुखलाल सुनल अहिरे का खून भीतर से गरमा था बर्दाश्त ना भेल यहर दोनों और दो आदमी अंगुरी के इशारा से जबान बंद कर ले कि बेटा खबरदार रतिया भर के बतिया है लेकिन बर्दाश्त ना भेल कहलस का कि अरे सोचे सुखा लाल बतिया जाना गई नारी हो आ रात
भर के बात खाली, अरे गलती ना हमारी हो। औरतियन के का मालूम की रात भर का मतलब का बा। परछन हो गए सुखलाल पहुंचलन सामियाने में। सुखलाल कहलन की ए सेठ जी सुना, हमके बेकूफ बनावे खातिर लियाल हुआ। कहला कि बेटा इज्जत तोरी हाथ में बा, हम तो हर इज्जत बचावे खातिर तैयार हो गई। तू हमार कुल कथा इनहन से पहले के बतौले हुआ। कहो इनहन के कैसे मालूम कि हमार माई गोबर पाथल हम चरवा है। वायरलेस लगल रहा। सेठ जी कहलन के रे बेटा तुहके ना कहथिन, ऊ जोन बा आपस में गाड़ी गावत थी। बेटा तनिका बात और बा, अब देखें शादी का समय आ गई। शादी के टाइम सुखलाल जन बाणन बैठल बाणन, शादी हो गई, सिंदूर का पारी आई बा। आज हाथे में सिंदूर उठा के सुखलाल सोचत हुन की भगवान अब बड़ी समस्या सामने आ गई। भैल का यहाँ एगो गीत बा, गीत है बा कि अरे सुनीला की ससुर यह गीत बा। अई बिरह का लाइन आप लोग सुना, ये हर सुखलाल कैलन का कि अरे माड़ावा का बतिया सभा सिंदूर के आ गईले स मैया ए बाबूजी हो। बाबूजी सारी बात जो है दबा ली गई। यहर शादी हो गई, सिंदूर लेके सुखलाल सोचत बाम। तब तक सेठ जी सारा कैलन की बेटा रतिया भर का बतिया बा, सिंदूर डाल दिया, शादी हो गई। जाके सामियाने में सुखलाल बैठ गईलन। यहर जोन बा नौनिया एक थे खबर लेके आई, खबर लेके आई ली है कि यहाँ का नियम बा कि शादी भैला के बाद लड़की लड़का एक कोठरी में रहला। बाबूजी आज सुखलाल जौन बारन चल रहलन कमरा के अंदर, यहर सरिता कुमारी अपने कमरा के सजा के इंतजार करत बा कि आज अपने सैया का हमारती उतारब। सुखलाल पहुंचल बारन एक गोल चौकट के अंदर डाल के वही में से झांकत बारन। सोचत हुन की बुझाता कि कोनो भगवान का मंदिर है, मन के दर्शन करे के बोलौली। हाथ पकड़ के सरिता कुमारी धीरे से चारपाई पर बैठौले बा आरती उतार के। आ जब आरतिया उतारे लगल चारपाई पर बैठौलस, सरिता कुमारी से सुखलाल कहलन कि ए बहिनी का कर छौ। सरिता कुमारी सोचत बा कि बुझात बा कि हमार सैया बड़ा भोले भाले हूं। बैठ गई लड़कियों। आ जब कान्ही पर हाथ रखल सुखलाल के तब तरवा फर 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 करे लगल। फिर कहलन का सुखलाल एक लाइन गीत बा, अरे बोलल बा सुखलाल, अरे बोलल बा सुखलाल, अरे कहना माना हे बहिना, बोलल बा सुखलाल कहना माना हे बहिने। देखा पर्दा खोल के बता देलस कि अरे हम बाटी अहिरे के गोरुअन के चरवाहा हो। अजबरी सरवा फसा लिया रे कैलस तोहरे साथे विवाह हो। करतिए भरक बतिया सभेरे अरे परना जाई हे बहिना। कहलस सुखलाल कि बहिन जी रतिया भर का बतिया बा, सारी हकीकत सरिता कुमारी जान गई, सोच गई कि मैं केहू का दोस्त ना बा, दोष बा तो हमारे किस्मत का दोष बा। भगवान अगर हमारे किस्मत में चरवाहा लिखले हुन तो हमके धनवान कहाँ से मिली। बाबूजी वो लड़की जो है पहले की बात याद करती है, पत्र द्वारा धनिकलाल सेठ को बुलवा कर कही कि बाबूजी मैं सारी हकीकत जान चुकी हूँ, आपसे यही कहना है कि मेरी विदाई जो है सुबह नहीं होगी, मेरी विदाई सावन में करवाइएगा। और
मठिया गांव के बगल में जो है आप अपने पैसे से एक हॉस्पिटल बनवा दीजिएगा। धनिक लाल कहलन की बेटी तू सबकी इज्जत बचाई है, मैं जरूर बनवाऊंगा। उधर जाके धनिक लाल सेठ जो है हॉस्पिटल बनवाने लगे। इधर सरिता कुमारी अपने बाबू गौरी सेठ से कही कि बाबूजी आपकी बिटिया होने के नाते मैं आपसे बात कहूंगी, आप तो मेरी शादी धनवान के इधर किए लेकिन मुझे भगवान ने चरवाहा लिखा था तो धनवान मिलेगा कैसे। तो आप जो है आप अपने पैसे से जो मठिया गांव के बगल में हॉस्पिटल बन रहा है उसी के बगल में जो है आप छोटा सा बंगला बनवा दे। बंगला भी बन के तैयार हो गया, हॉस्पिटल बन गया। सावन का महीना आ गया, सरिता कुमारी सोचलस कि कहीं हमार नजरिया धोखा न खा जा, चली तनी पहचान ले रतिया भर के बतिया वाले के। एक मारुति कार में चार सहेलियन के लेके पहुंचल बा और जाके मठिया के लोगन से कहलस कि भाई जिसकी जिसकी शादी हो गई है हाथ ऊपर कीजिए, इसी हॉस्पिटल में उसे नौकरी मिलेगी। सब कर जे जेकर बियाह भलल हाथ ऊपर कर दहलस। उ देखत बा सोचत बा के में रात भर वाला केहू नहीं खे। एगो बुढ़ऊ दादा से कहलस कि बाबूजी ये गांव में औरी केहू बाकी बा? बुढ़ऊ कहला कि हाँ एगो लड़का बाकी बा। अरे सुख ललवा बाकी हन, गाई ले ले बा नदी के तीरे। कहलन कि सुख ललवा बाकी हो, गाय नदी के तीरे ले लेबा। उ लड़किया कहलस कि तनी उन्हों के बुलवा दें। उहो जब बुला के आल बन सरिता कुमारी कहलस कि का हो तोहर बियाह भल बा? सुखलाल कहलन कि बहन जी उतर अतिया भर का बात रहल। सरिता कुमारी समझ गई कि है हमार साजन हुमन। कहलस कैसे देखे बड़ी ऊंची लाइन कही आखिरी लाइन हमारे विराह कदा। यह बात कहले बा अरे सिंदूर डललाया मांग में, अरे दूसरे संग जाई कैसे, खाली रात भर में जिंदगी और आई कैसे। हम दूसरे के संगे ना जाई तो ही हमार भगवान हुआ, ले चला अपनी महल में। सुखलाल कहला कि देखा वह मड़ई लौकत है पूरु बोर के गिर गई है, वह हमार महल है। लिया के पहुंचल बा भैल का कि भैया अरे साजन को लिया के सासु लगिया है आई, आ सासु के पायारिया के चूमल हल जाई। खाली रात भर में जिंदगी और बाबूजी उसी हॉस्पिटल को चलाने लगी जो बंगला बाबूजी बनवाए थे, उसी में वो लड़की जो है रहने लगी अपने परिवार को लेकर। बंबई से खबर गई कि सेठ जी के मालूम कि हरिलाल का आंख ना बनल, हरिलाल का हार्ट अटैक हो गया। धनिक लाल सेठ अपने कलेजा पर हाथ रख देलन, कहलन कि भगवान औलाद दे के छीन लेला तो हमारी इज्जत बचौले बा सुखलाल, तो हमारे प्रॉपर्टी का मालिक भी सुखलाल हो। यही के कर्तव्य कहल जाला, कर्तव्य से आदमी क्या नहीं कर सकता है। विराह का आखिरी लाइन बा तो स्वामी गुरु बिहारी पत्तू नारी कपति भगवान, सरजू ग्वाला स्वर्ग नगरिया जाके करे बिहान हो, लिखनिया कोरा कागज बन गई तो राम।